नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा जो कि ब्रेड से बनता है, एक बहुत ही फेमस डेजर्ट है जो हम कोई भी मतलब मेहमान आते हैं घर पे तो हम लोग बनाते हैं, या फिर कोई त्योहार आता है, अभी दिवाली आ रही है तो हम शाही टुकड़ा बना के घर पे खा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए ब्रेड। मैं यहाँ पे 8 पीस ब्रेड ली हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 8 पीसेस ब्रेड में ली हूँ। एक ब्रेड से हमको 2 टुकड़ा मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से ब्रेड ले लीजिएगा। मैं 8 पीसेस ब्रेड ली हूँ। इसके साथ हमको चाहिए रबड़ी। देखिए, मैं रबड़ी बना के रखी हूँ, जैसे आप देख रहे हैं इसका कंसिस्टेंसी ऐसा है। अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा पतला बना सकते हैं, वो आपके हिसाब से, पर मुझे ये कंसिस्टेंसी पसंद है। दूध और चीनी मिला के मैं बनाई हूँ और कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ दूध और चीनी डाली हूँ मैं इसमें। इसके साथ हमको चाहिए शक्कर से बनी हुई, शक्कर और पानी से मिला बना हुआ आपका चाशनी, जिस चाशनी में हम लोग शाही टुकड़ा को तल के इसमें डुबोएंगे। वो चाशनी हम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। ये चाशनी मैं बनाई हूँ, ये देखिए। और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा इलायची। इस इलायची को हम कूट के इसका पाउडर बना के लास्ट में इसको गर्म। अब हम ब्रेड को काटेंगे। देखिए, मैं इसका जो साइज जो है इसका मैं काट लूंगी, चारों जो साइज है चारों साइज को मैं काट के इसका ऐसे अलग कर लूंगी। तो इसके इससे क्या है ना, आपका जो शुगर सिरप है वो अच्छे से जाएगा। और फिर इसको हम ऐसे बीचों बीच ऐसे काटेंगे, ये ऐसे काटेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको रेक्टेंगुलर वे से भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे काटूंगी। और अभी मैं जो सारे जो ब्रेड हैं हम ऐसे ही काटेंगे इसी प्रकार से। देखिए, हम ब्रेड्स को काट लिए हैं ऐसे, इस तरह से। जितने भी ब्रेड्स थे मेरे पास 8 पीसेस और उसमें काट ली हूँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे। कोई कोई डीप फ्राई करते हैं, पर मैं तेल और घी मिला के, दोनों मिला के मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। देखिए, मैं पैन चढ़ा दी हूँ गैस पे, गर्म हो गया है। इसमें मैं तेल डाली हूँ, तेल और घी मिला के 3 टेबल स्पून तेल डाली हूँ। देखिए, गर्म हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को इसको आप अच्छे से ऐसे हिला लीजिएगा ताकि पैन में लग जाए। फिर हम ब्रेड को ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा करके, ऐसा जितने भी ब्रेड्स है हम इसको ऐसे लगा लेंगे दोनों बोथ साइड ऑयल, ताकि ये फ्राई अच्छे से हो जाए। बस अब हम इसको होने के लिए इसको रख देंगे। ये थोड़ा एकदम ब्राउन हो जाएगा सुंदर, तब तक हम इसको छोड़ेंगे और बीच बीच में हम इसको पलट देंगे। हम बोथ साइड करेंगे ताकि ये सुंदर अच्छे से हो। एक साइड हो गया है, मैं इसको पलट दी हूँ। अब हम इसको पलटेंगे, दूसरे साइड भी पलटेंगे। इसका दूसरा साइड हम 2 मिनट और होने के लिए छोड़ेंगे, ऐसा ब्राउन हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, मैं पलट दी हूँ, दूसरा साइड भी लगभग हो गया है। पहले मैं आपको फर्स्ट साइड दिखाई थी इसको, ये देखिए हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। अब देखिए हो गया है। अब इसको 1 मिनट, लगभग 1 से 1.5 मिनट और रखेंगे इसका कलर आने तक, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। देखिए, मेरा ब्रेड जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर क्रिस्पी बना है ब्रेड। ये देखिए ब्रेड कितना सुंदर बना है, ब्राउन कलर का। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। ये देखिए ब्रेड कितना प्यारा बना है, क्रिस्पी बना है एकदम। अब हम इसको चाशनी में डुबाएंगे। आप एक चिमटा ले लीजिए ताकि आपको पकड़ने में आसानी रहे, ऐसे आप इसको चाशनी में डुबाइए।
इसको कुछ देर अब रख, 2-3 मिनट तक अब छोड़ दीजिए इसको। ऐसे हम डुबा देंगे, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ये देखिए ऐसे इसको छोड़ दीजिएगा 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो चाशनी का जो मिठास है वो इसके अंदर आ जाए, अंदर तक आ जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए मैं कुछ मैं निकाली हूँ, और यहाँ से देखिए मैं ऐसे मैं हाथ की इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इजी लग रहा है। ऐसे निकाल के हम इसको प्लेट में ऐसे रखेंगे, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसको अब जितना ड्रेन, ज़्यादा ड्रेन मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा हमको ये मिठास जो है वो चाहिए। ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा, ये देखिए हो गया। मेरे सारे जो ब्रेड्स जो थे, जो मैं टुकड़ा बनाई हूँ, शाही टुकड़ा जितने भी मैं बनाई हूँ, सब मेरा हो गया है। देखिए ये पूरा हो गया है, मैं कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे। ये जो रबड़ी मैं बनाई हूँ, ये रबड़ी डालेंगे। मैं कभी कभार ऐसे इसको शायद खीर बोल दी हूँ, क्योंकि बंगाली में हम इसको खीर बोलते हैं। तो जो भी है, हम अभी इसके ऊपर खीर डालेंगे ऐसे, ये देखिए हम इसके ऊपर रबड़ी डाल रहे हैं। देख लीजिए इसका कलर और जो घना हुआ है, कितना सुंदर हुआ है इसका। ये जो रबड़ी का जो ये जो है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। आपको जितना मन चाहे आप दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से देंगे। पर रबड़ी जब आप बनाएंगे, इसमें आप मीठा थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि शाही टुकड़ा वैसे ही मीठा है, तो इसमें मिठास है ही। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये हम डाल दिए हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करेंगे इसमें। इसमें हम और कुछ नहीं, बस जो इलायची है, वो इलायची दाना का जो पाउडर मैं बनाई हूँ, ये देखिए मैं पाउडर बना के रखी हूँ, इसको हम इसके ऊपर दे देंगे। और इसका जो छिलका जो है, मैं उसको भी नहीं फेंकूंगी, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए हम ऐसे इसको ऊपर से ऐसे डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अगर चाहे तो आप इसमें काजू बादाम जरूर डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, वो आपके हिसाब से है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। पर मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए हो गया, ये शाही टुकड़ा बनके तैयार है। ये देखिए इसको आप थोड़ा सा फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ठंडा हो जाएगा। आप बनाइए घर पे और खाइए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके आप बनाइए के बताइए मुझे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा बना है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलिएगा। जब भी कुछ नया मैं बनाऊंगी, मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लेके आऊंगी, हाँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।